हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में आज आरएमपी एम अनुभवी चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने की। इस मौके पर एसोसिएशन ने एक मांग पत्र भी कृषि मंत्री को सौंपा। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। एक सम्मेलन वो सभी लोग इकट्ठे थे, कुछ उनकी समस्याएं हैं और पहले हमने स्किन के एक बोर्ड का गठन किया था लेकिन अभी वो जो बोर्ड है वो बहाल नहीं है। तो इनकी तो एक मांग तो यही थी कि उस बोर्ड को दोबारा से बहाल किया जाए क्योंकि एक सरकार के साथ बातचीत करने का माध्यम बढ़ देगा। कुछ लोग इनके होंगे जो बैठ के सरकार के साथ बातचीत करें और मैं ये भी समझता हूँ कि ये उचित भी है कि कुछ समस्याएं इनकी भी हो सकती हैं, कुछ हमारी भी हो सकती हैं। हम भी कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मिलके काम करने में दोनों को लाभ है। तो सरकार के सामने इसकी बात रखेंगे, पहले हमने इस बोर्ड का गठन कराया था, आगे आने वाले भविष्य में भी हम बातचीत करेंगे। खरीद को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए हैं? खरीद के लिए अच्छे प्रबंध हैं बिल्कुल। देखिए अभी कुछ चैनलों ने कहा है कि भाई खरीद कितनी मंडी बनी, अभी तो हमारे यहाँ आया ही नहीं अनाज। आपके पास भी अगर आप देखो तो आपकी मंडी में भी मेरे ख्याल एक क्विंटल अनाज नहीं आया होगा। आसपास की किसी मंडी में भी कटाई शुरू भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी 10 दिन और लगेंगे या 10 अप्रैल से पहले, मैं नहीं समझता कि कहीं कटाई लगेगी, अभी 10 दिन लगेंगे। ठीक है, परली साइड में कहीं जैसे महेंद्रगढ़ साइड है, भिवानी है, वहाँ कुछ है वहाँ आया, लेकिन हमारे पुख्ता इंतजाम बिल्कुल, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने। आड़तियों का मैंने अखबार में ही पढ़ा, वो कुछ इस बात का विरोध कर रहे हैं लेकिन जब आड़ती आएंगे तो उनकी समस्या को सुलझा लेंगे। 72 घंटे में सबकी पेमेंट आती है, 48 से 72 घंटे के बीच में हर साल पेमेंट किसान के खाते में आ जाती है, किसी को कोई समस्या नहीं है और ना ही अब की बार आने दी जाए।